निंजा कॉल प्रो मैक्स स्मार्ट वॉच का। तो गाइस सब देख सकते हैं, मैंने अनबॉक्स तो कर ली थी, तो इसका आज फुल रिव्यू होने वाला है। ये उस वॉच के ऊपर आया था जो मैंने हटा चुका हूँ, क्योंकि मैंने अनबॉक्स कर चुका हूँ घड़ी को, क्योंकि डिलीवरी में देखने, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर मंगाया था अमेजोन से। तो आप, मैं अनबॉक्सिंग वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना, ज़रूर देखना और सपोर्ट करो। आपने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया, 3000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं अपने बहुत जल्दी। थैंक यू गाइस फॉर 3K सब्सक्राइबर्स। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस बॉक्स में क्या मिलता है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बाहर बहुत सारे वो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, जैसे कि वॉइस असिस्टेंट, SPO2 मॉनिटरिंग, और ये रिजोल्यूशन, मतलब बहुत बिग स्क्रीन का रिजोल्यूशन दे रखा है इसमें। ब्लूटूथ कॉलिंग, 230mAh बैटरी है, 120 स्पोर्ट्स मोड है, और हार्ट रेट ट्रैकिंग है। ये देखो 2.1 इंचेस की डिस्प्ले है इसकी, ब्लूटूथ कॉलिंग है इसमें, और इसके पीछे इंस्ट्रक्शंस भी हैं। स्लीप मॉनिटरिंग, 50 डेज की बैटरी बैकअप है। अपन 7 डेज बाद भी इसका रिव्यू देंगे कि सही में ये 15 डेज तक का काम करता है। 15 डेज बाद दे लेंगे, 7 डेज बाद रिव्यू दे लेंगे। कैमरा कंट्रोल है, हार्ट रेट ट्रैकिंग है, स्मार्ट नोटिफिकेशन है, म्यूजिक कंट्रोल भी है। इसको QR स्कैन करके आप अपने घड़ी को कनेक्ट कर सकते हैं इसके ऐप से, जिसमें अपन को बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे अपन घड़ी में वॉलपेपर लगा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसमें डिस्प्ले बता रखी है, इसमें आपने ये सारे दे रखे हैं कौन कौन से मोड्स हैं। ये इसकी फेक प्राइस है, खैर ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, उसकी भी मैं लिंक दे दूँगा। ये मेरे को पड़ी थी 1299 की, 1299 रुपीज़। इसके अंदर अपन को स्मार्ट वॉच देखने मिलती है, और मैनुअल मिलता है, वारंटी कार्ड मिलता है, चार्जिंग केबल मिलती है। तो देखते हैं क्या क्या है। ये यहाँ पे घड़ी आई थी रखी हुई, मैं दिखाता हूँ, ऐसे रखी हुई आई थी घड़ी, इसको निकालते हैं। इसमें अपन को चार्जिंग केबल मिल जाती है, और इसमें इसका ये अपन को क्या है, ये वारंटी कार्ड मिलता है अपन को उसका। फिर ये मूवी की टिकट्स मिलती है, मूवी की टिकट मिलती है अपन को, अपन फ्री मूवी देख सकते हैं स्टार से। और इससे अपन को सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, प्ले अनलिमिटेड गेम्स खेल सकते हैं, Spotify को फ्री में मिल सकता है, बोल्ट प्ले ऐप, इसमें इसका ऐप भी है जिसे अपन डाउनलोड करके इसमें अपन को कॉइन्स मिलेंगे अगर अपन गेम्स खेलेंगे तो। और ये इसका मैनुअल है, ये पूरा मैनुअल है, ये बिल है इसका, और ये एक और पड़ती है इसमें लिख रहा है चार्ज द वॉच फॉर 60 मिनट्स बिफोर यूज़, एक घंटा चार्ज करना है अपन को यूज़ करने से पहले, और फास्ट चार्ज से चार्ज नहीं करना, 5 वाट तक का चार्जर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप घड़ी को हार्म पहुँच सकता है। और चलते हैं घड़ी की तरह। तो ये है अपनी घड़ी, इसमें सिलिकॉन स्ट्रैप मिलते हैं जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। पीछे अपन को हार्ट रेट सेंसर और सब तरह सारे सेंसर मिलते हैं, बॉडी टेम्परेचर का सेंसर, सब सेंसर इसमें हैं। और ये 2 पिन वाला चार्जर मिलता है, इसमें फायर बोल्ट की बैजिंग है, और इधर ये मेटल है ये वाला, और ये फायर बोल्ट की तरफ फिर से बैजिंग आ जाती है। और इसकी जो ये है, ये प्लास्टिक है, स्किन नहीं है। तो ये आपको, और इसमें जो मिलती है आपको इसमें, तो इसको ऑन करते हैं, इसे ये इसमें फायर बोल्ट की बैजिंग आ चुकी है। तो ये इसका वॉलपेपर है जो आया है इसमें, और भी अपन चेंज कर सकते हैं वॉलपेपर, पेपर साइज में अपन कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मेरे को तो ये स्पेशली अच्छा लगता है। और फिर इसमें ऊपर देखें तो अपन को ऊपर मिलेगा इसमें ब्राइटनेस है, जो भी अपन कम भी कर सकते हैं। ये अपना DND वाला, अपन रात में ऑन करके सोएं, जिससे अपन के मैसेज की, जैसे अपन फ्रेंड के सोते हैं तो उसमें अपन को फिर मैसेज की जो वाइब्रेशन है वो नहीं सुनाई देगी। और ये लो पावर मोड है, जैसे कि अपन बैटरी कम है तो अपन इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे और कम बैटरी खर्च होगी, अपनी ब्राइटनेस नहीं बढ़ा सकते। फिर इधर ये ई कार्ड का सिस्टम है, जो अपन ऐप्स में जाके डाल सकते हैं। इधर ये फ़ोन ऑन कर दोगे आप तो अपन मतलब ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं इससे, मतलब कॉलिंग का फीचर है, कॉलिंग ऑन हो जाएगी। फिर हमें सेटिंग में जाएंगे, डिस्प्ले में ब्राइटनेस आती है अपनी, स्लिप है ये तो बहुत फेस, सेटिंग में जाके इसमें जाएंगे तो अपन डिस्प्ले में जाते हैं, इसमें स्लिप आता है, स्लिप में मतलब 10 सेकंड बाद कितने देर बाद बंद हो घड़ी, इन बात वैसे बताई दी है। इसमें मेन मेन्यू व्यू बहुत तरह के, ग्रिड व्यू है, व्यू भी है, सरफेस व्यू भी है, लिस्ट व्यू भी है, हनीकॉम है जो आईफोन में भी आता है। तो अभी इन सब के बारे में अपन बाद में बात करेंगे, मैं इनको लास्ट में बताऊंगा आपको, अभी के लिए अपन साधन में चलते हैं और आपको मैं सारे फीचर्स के बारे में बताता हूँ। तो ये सेटिंग में और अपन को मिलता है वाइब्रेशन एंड रिंग का,
जिसमें अपन कुछ मतलब वाइब्रेशन जैसे कि रिंग भी हो वो भी कर सकते हैं अपन, और या फिर वाइब्रेटी हो। इंटरफेस सॉफ्ट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, मतलब स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा वाइब्रेट और सॉफ्टली करेगी, अगर सॉफ्ट होगी तो अपन जाते हैं। इसमें लो पावर मोड है, फ़ोन है जो मैंने बताया था आपको, ये सिस्टम कर जाता है। फ़ोन में जाएंगे तो फ़ोन ऑन, मीडिया ऑडियो मतलब अपन की घड़ी में भी आवाज़ आएगी, फिर अपन जो गाने सुनेंगे। सिस्टम में जाओगे तो रीस्टार्ट पावर ऑफ रीसेट का मिलेगा ऑप्शन आपको। फिर आप अबाउट में जाओगे तो आपको वर्जन मिल जाएगा सर, कौन सा वर्जन है। अगर आपको बाय करना तो वर्जन डाल देना और आ जाएगी ये घड़ी। फिर अपने ऐप डाउनलोड के लिए स्कैनर है, जिसको अपन स्कैन करेंगे तो अपन को ये घड़ी कनेक्ट कर पाएंगे। फिर बात करते हैं अपन इधर ही अपना, इधर अपने अलग अलग तरह के ऐप्स मिल जाते हैं अपन को। हम बात कर लेते हैं उनकी, इसमें स्टाइल्स दे रखी हैं। डिस्प्ले में जाते हैं, डिस्प्ले में जाके इसमें मेन्यू में जाके अब अपन हनीकॉम चलाएंगे तो ये वाला आ जाएगा जैसे एप्पल में आता है। फिर अपन दूसरा चेंज करेंगे, दूसरे में अपन को ग्रिड व्यू मिलता है जैसे ऐसे वाला। फिर अपन दूसरा चेंज करते हैं, दूसरा आता है अपना पैरेलल जो ऐसे दिखता है, थोड़ा अट्रैक्टिव सा लगता है थोड़ा दूर से देखने में। फिर आता है अपना सरफेस वाला जो कि बॉक्सी टाइप है, पर एप्पल की तरह जो मतलब वो था हनीकॉम वाला वैसे मिलता है पर बॉक्सी टाइप में। दूसरा है अपना लिस्ट व्यू, तो था ही पैरेलल हो गया, सरफेस हो गया, ये हो ही गया अपने। फिर अपन ये लगा कर रखते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है क्वालिटी, ठीक है। अब हम इसमें कॉल लगा कर दिखाएंगे, जैसे कि अगर आप कॉल्स में जाओगे ये रहा, तो इसमें आप रिसेंट कॉल भी दिखाएगा, डायल पैड कॉन्टेक्ट आप सेव कर सकते हो। तो इसमें अपन डायल करते हैं, तो जैसे डायल करें अपन कुछ भी कर देते हैं, कॉल लगा देते हैं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। स्पीकर है, आपने सुन ली होगी आवाज़, और आप सुन लेना। और इसमें भी स्पीकर गाना तो मैं चला नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट का डर है, इसलिए देख सकते हैं। लुक वाइज भी बहुत अच्छी है, एंड में आप देख सकते हैं, अभी देख सकते हैं ब्लैक में बहुत अच्छी लग रही है। जिसको मतलब अपन डायरेक्ट ऐप में नहीं जाएं, इधर की इधर ही अपना जो मेन काम है वो अपन का हो जाए। फिर इधर जाते हैं अपन साइड में, तो अपने गेम्स आ जाते हैं, सेटिंग आ जाती है, एलेक्सा का वो आ जाता है, फ़ोन कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन फ़ोन करने के लिए फ़ोन कनेक्ट चाहिए। इसमें अपन की एक्टिविटीज़ हैं सारे, इसमें 150 प्लस स्पोर्ट्स मोड है, अपन और भी ऐड कर सकते हैं, बहुत है 150। और इधर टाइम बता देता है, डेट बता देता है, फिर अपन इसको दबाएंगे जो ग्रीन ग्रीन से बटन है 3 मेन्यू वाला, इधर अपने ऐप्स खुल जाएंगे, इधर एक्टिविटी आती है, अपन कितने स्टेप्स चले, एक्सरसाइज कितनी देर करी, कैलोरीज ये आ जाते हैं। फिर अपन जाते हैं स्लिप, अपन कितनी देर सोए, जगह कब गहरी नींद सोए, कब लाइट वेट सोए, मतलब ज़्यादा गहरी में नहीं सोए। फिर आ जाती है अपनी हार्ट रेट, इसमें अपन हार्ट रेट मेजर कर सकते हैं। ये अप्रॉक्स अपन यूँ तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल डॉक्टर में जो मेज़र करने की होती है उसके हिसाब से बताए, पर हाँ बता देती है अप्रॉक्सीमेटली बताती है। फिर अपना फ़ोन कॉल का आता है, अपन करके दिखाएंगे उसको फ़ोन से कनेक्ट करके। फिर आता है अपना एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज इसमें एक्सरसाइज के बहुत सारे ऑप्शन हैं, एक्सरसाइज रिकॉर्ड भी है इसमें, अपन कौन कौन सी एक्सरसाइज करेंगे उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। SPO2, इसमें SPO2 मेजर होएगा, इसमें स्ट्रेस मेजर भी कर सकते हैं, वेदर ये मैसेजेस हैं, ये वेदर हैं, इसमें वेदर भी पता कर सकते हैं। शटर फोन मतलब अपन टैप करके फ़ोटो खींच सकते हैं, पर फ़ोन से कनेक्ट होना चाहिए। इसमें म्यूज़िक प्लेयर भी है, अपन प्ले आवाज कम वॉल्यूम अप एंड डाउन, इसमें रिलैक्स के लिए स्ट्रेस्ड होता है इसको ज़्यादा वो एक्सरसाइज है। और AI वॉइस है इसमें, टाइमर भी लगा सकते हैं अपन, कस्टम भी कर सकते हैं 2 घंटे तक का दे रखा है बस इसमें। अलार्म स्टॉप वॉच है, फिर अपन अलार्म भी लगा सकते हैं, और साइकिल ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, और अपनी साइकिल मतलब अपनी बॉडी मेजरिंग वाला सिस्टम है। वर्ल्ड क्लॉक भी अपने इसमें अपन ऐड कर सकते हैं, और फ़ोन में से इसमें 2 ही ऐड कर रखी है मैंने, यहाँ पे शाम हो रही है, यहाँ पे सुबह हो रही है। फिर अपना फाइंड फ़ोन कर सकते हैं, जो पर फ़ोन कनेक्ट होना चाहिए, फ़ोन से कनेक्ट होनी चाहिए घड़ी। कैलकुलेटर भी दे रखा है इसमें, 8 × 9 करें तो अपन 99 करें तो अपना आंसर आएगा 792।
आप कमेंट करके बताना ये सही आंसर है कि नहीं है। फिर उसमें गेम है, एक ही गेम है। अभी जो 5-6 महीने वाला बर्तन था उसमें 4 गेम थे, पर उससे वॉच लैग हो रही थी जो हटा दी गए, तो अब एक ही रहेगा शायद। मेरे हिसाब से और 1-2 गेम आ सकते हैं नेक्स्ट वर्जन में। इसमें सेटिंग मैंने आपको बता ही दी है इसमें क्या क्या है। और ये जो इसका क्राउन है ये वर्किंग क्राउन नहीं है, क्योंकि एप्पल में ये वर्किंग करता है बस, ऐसे बटन वर्किंग है बस बटन। ये देख सकते हैं ये था फुल रिव्यू। इस पन्नी को आप अगर हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, बस मैंने इसलिए नहीं हटाया कि स्क्रैच आ जाए। तो आप हटाना चाहें आपकी मर्ज़ी है, अगर आप बचाव रखना चाहते हैं अपनी घड़ी का तो ना हटाएं। तो ये था फुल रिव्यू फायरबोल्ट की निंजा कोर प्रो मैक्स का। तो कमेंट करना कैसी लगी आपको वीडियो, ज़्यादा सपोर्ट करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।